विपक्ष के रण से चली नमकीन हवाओं ने गांधीनगर का सियासी दस्तूर ही बदल डाला। तो अब इन हवाओं के रुख ने मरुधरा में भी रहनुमाओं की हसरतों को पंख लगा दिए हैं। गुजरात में पहली बार के विधायक को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया तो राजस्थान भाजपा के भी एक गुट में उम्मीदों के बादल घुमड़ने लगे। इस गुट में खुशियों का अलग ही माहौल दिखाई पड़ रहा है। 2023 का रास्ता साफ होता दिखाई देने लगा है। दरअसल गुजरात में शनिवार को मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कई बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। तब तक मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल जैसे नामों की चर्चाएं थी, लेकिन अंतिम पलों में एक नाम सामने आया जो काफी चौंकाने वाला रहा। भाजपा ने भूपेंद्र पटेल को विजय रूपाणी के बाद गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घटलोडिया विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है और संगठन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। भूपेंद्र पटेल ने अपना पिछला चुनाव 1.17 लाख मतों से जीता था। भूपेंद्र पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब राजस्थान में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खेमे का जोश हाई है। पूनिया भी आगामी चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की तरह ही पूनिया भी पहली बार के ही विधायक हैं और भाजपा में उन पर विश्वास जताते हुए सूबे में पार्टी की कमान सौंपी है। पिछले चुनाव में पूनिया ने कांग्रेस के प्रशांत शर्मा को मात देते हुए 13,000 से ज्यादा मतों से हराया था। इसके अलावा पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में मजबूत पकड़ बनाई है। साथ ही पूनिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ऐसे में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पूनिया खेमा उत्साह से लबरेज है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता नितिन पटेल एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें भूपेंद्र पटेल ने पछाड़ दिया। भूपेंद्र पटेल के पास राजनीति में कुछ वर्षों का ही अनुभव है, लेकिन नितिन पटेल करीब 30 वर्षों से राजनीति में एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री के रेस में पिछड़ जाने से नितिन पटेल का मीडिया के सामने दर्द छलक गया। नितिन मीडिया के सामने निराश दिखे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जी भी व्यक्ति का कोई धार्मिक नेता हो, वो कोई संत हो, स्वामी हो, तो फिर उसको उसके भक्तों के हृदय में उनका स्थान रहता है, तब तक वो बड़ा रहता है। इसी तरह कोई कंपनी की ब्रांड हो तो ब्रांड की जब तक प्रेस्टीज रहती है तब तक वो काम चलता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्य करो या बड़े से बड़े नेता हो, प्रजा के हृदय में जिसका स्थान है, वो मैंने बोला है कि प्रजा के हृदय में स्थान रखना वो पहली बात है। और काम करके लोगों का प्रेम जीत के आदमी बड़ा हो सकता है। किसी को दूर रख के, किसी को बाजू में रख के, मतदार हो या कार्यकर हो या अपने विस्तार के लोग हो, उसको दूर रख के कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं मेहसाना का प्रतिनिधि हूँ, मेहसाना का 2 टर्म का विधायक हूँ, 4 टर्म कड़ी में विधायक रह चुका हूँ। तो मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म मैं धारासभ्य MLA बना तो कड़ी और मेहसाना की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा संस्कार है, ऐसी मैंने बात कही। कुल मिलाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर अपने निर्णय से सबको चौंका दिया है, लिहाजा अब राजस्थान में भी 2023 में चुनाव होने हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि राजस्थान में भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाला फैसला कर सकता है, जिसके चलते राजस्थान भाजपा के कई नेताओं के माथे पर शिकन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।